जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कार्यशैली पर निशाना साधा। किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, कैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है? तुमने घर के तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी अखिलेश यादव की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर की गई टिप्पणी पर रवि किशन ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, ये विपक्ष के नेता हैं, उन्हें विधानसभा में इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए था। उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए अच्छा बजट रहा है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद भी दिया हूं। सर, सबसे पहले ने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है, इसमें महिलाओं और युवाओं को कितना फायदा हुआ है सर? देखिए, पूरा ये गरीबों के कल्याण का बजट रहा। इसमें महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए मेडिकल सुरक्षाओं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, सड़कों के लिए, किसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, आप देखें कि पूरा बजट कहीं 600 करोड़ है, कहीं 800 करोड़ है, कहीं 1000 करोड़ है। गोरखपुर को भी उन्होंने बहुत बड़ा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैंने पूज्य महाराज जी को ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ आयुष विद्यालय जो 300 करोड़ में बन रहा है, यहाँ पहली बार होगा कि देश में एक ऐसा आयुष विद्यालय होगा जहाँ पर लोग रहेंगे, और बड़ा कैंपस है, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था उसको, 300 वहाँ हमारे यहाँ चिड़िया घर है, बहुत बड़ा गोरखपुर एक टूरिस्ट हब बन चुका है, और उन्होंने मेट्रो रेल की सौगात 100 करोड़ का बजट हमको गोरखपुर में दिया है। तो ये जितना ये बजट में पूरा, जैसे उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, एक नया उत्तर प्रदेश, जैसे एक नया भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक नया उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी बना रहे हैं, तो उसका ये बजट था। तो मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को दिल से साधुवाद दूंगा, अद्भुत बजट रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, किसानों के लिए, हर चीज़ में उन्होंने जो व्यवस्थाएँ की हैं, जो पैसे कहीं पर भी बोझ नहीं आया इस बजट से। तो यानी कि सर, इस बजट से लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई? कल्याण है ये, पूरा उत्तर प्रदेश का कल्याण का बजट है, बहुत बड़ा कल्याण होगा। और एक संत, एक निस्वार्थ त्यागी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, इसीलिए आज योगी महाराज जी पूरे देश में इतने पॉपुलर हैं। आज 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को इतने प्रेम से और इतने ध्यान से चला। जब एक इंसान निस्वार्थ त्यागी होता है और शासन का, अनुशासन का पालन करता है, तो तब जाके आप इस प्रदेश को आज इतना ऊंचाई पे पहुंचाते हो। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी रेट और इकोनॉमी हम लोग नंबर 2 पर आए हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 भी हो जाएगा जीडीपी रेट पे। रोज़गार है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नए रोज़गार की बहुत उपलब्धियाँ हैं। आत्मनिर्भर भारत जो स्किल्स के लिए, या स्मार्टफोन बांट रहे हैं या टैबलेट्स बांट रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, ये राज्य सरकार को, महाराज जी को, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद दूंगा। एक बहुत दूर दृष्टि का बजट है ये, और स्वयं हो रहे हैं, यानी जो ज्ञान व्यापी में मिले सीलिंग को लेकर सब स्वयं हो। देखिए, स्वयं हो अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब न्यायालय में रहता है, उस पर किसी को टिप्पणी, खासकर मैं एक गोरखपुर का सांसद हूँ तो मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहे। सर, देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव सरकार को भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर घेरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हार जीत लगी रहती है। मुझे कल उनकी बातों से, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनकी जो बोली और वाणी थी सदन में, एक सदन की गरिमा होती है, हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया। तू तड़ाक और एबे ओबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है, और वो उनसे पता चलता है कि उन्होंने, उनको हार बहुत बुरी तरह, उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। देखिए, हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएं, और नेता अगर हमारे अभी सरकार के नेता हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहें,
उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही, उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है अखिलेश यादव जी की, जो कि ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी कि हमको लगा था सदन में गए हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, 100 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं, एक गंभीरता रहेगी, एक शालीनता रहेगी, और अब ये गंभीर उत्तर प्रदेश है, ये बाहुबली और आतंकवादी और माफियाओं का नहीं है, गुंडे वाली भाषा और गुंडे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है सर, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार हैं और जौनपुर जिले के निवासी हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री बन जाने से कितना फायदा होगा? बहुत, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, अनगिनत रवि किशन पैदा होंगे, अब किसी रवि किशन को जाके बम्बई में स्ट्रगल नहीं करना होगा। यही बात पृथ्वी महाराज जी चाहते थे, यही सोच हमारी भी थी कि सारे बच्चों को, सारे कलाकारों को हम लोग यहाँ अपनी ज़मीन पर रोज़गार दें, अपने माँ बाप के पास बच्चे रहें, और कला के क्षेत्र में भी सबको आना चाहिए, क्योंकि कला का क्षेत्र एक बहुत बड़ा रोज़गार देता है। सारे लोग IAS IPS डॉक्टर नहीं बन सकते, कला की स्किल्स भी है, एडिटिंग डबिंग है, लिरिक्स हैं, राइटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन है, कारपेंट्री जॉब है। तो बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। सर।